जो सात वाली रोड है ये तो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है इसकी वजह से, और यहाँ पर बस ट्रेन स्लिप है और कैसा है यहाँ पे, और ये लेबर पट्टों का ये सीओ ने ट्रैक्टर लगा रखा है इस काम पे, यहाँ से कीचड़ को हटाया जाए, और ये कीचड़ से आई खतरनाक हद तक बनाएंगे इसकी वजह से। डियर विजिटर्स, आप देख सकते हैं कोंट पार्क की एंट्रेंस जो कि यहाँ से लेफ्ट के ज़रिए था वहाँ पे जाना, लेकिन ये कोंट पार्क मुकम्मल तौर पे जो है डूब गई थी क्योंकि यहाँ पे दरिया काबुल और दरिया सिंध दोनों का कट आ गया था। तो चेयर लिफ्ट जो है वो भी तबाह हो चुकी है, जो कि एक रस्से के ज़रिए यहाँ पर एक टोयोटा डैटसन का इंजन उन्होंने लगाया हुआ था। ये सब एरिया जो है आप देख सकते हैं, इसके पीछे जो पहाड़ हैं वो ज़िला अटक में यानी कि वादी छाछ में है, तो यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अंदर एक ये नेशनल पार्क था, यहाँ पर हर किस्म के जानवर वगैरह थे, मसलन हिरन वगैरह और चीज़ें, और मुकम्मल तौर पे जो है तो मेरे हाल में जाम बेहक हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को टाइम ही नहीं मिला अपने आप को संभालने का। ये देखें झूला, ये भी आधे से ज़्यादा डूब गया था, ये मुकम्मल तौर पर गड़बड़ हो गई थी। यहाँ की चेयर लिफ्ट आप देख सकते हैं, ये दोनों मतवाजी चलती थी, एक इधर आती थी एक उधर जाती थी, इनके रस्से जो ये भी मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। इनके लिए टोयोटा डैटसन का एक हाई पावर इंजन था जिसको ऑपरेटिंग किया जाता था। ये अभी तूफान थमेगा बारिश का पानी का बरसात का तकरीबन 7 दिनों में। एक एग्रीमेंट होना वो पक्का होना है। बिल्कुल यार तो पता नहीं कितने बता दूसरे से आवाज में कोई तोड़ ही नहीं, पाकिस्तान को दाग मशीनरी भी नहीं, मतलब हालत पेपर ना मारा पड़ा है। यहाँ देखते हैं ये जी टी रोड है जो मुकम्मल तौर पर बंद है, और इसके साथ एकदम